खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खबरें अब तक का। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। खबरें अब तक में आज बात होगी ब्रजभूषण के राहुल गांधी पर दिए गए सियासी वार की, साथ ही साथ बात होगी अखिलेश यादव के सीएम योगी को सुनाई खरी खोटी की और कोलकाता कांड को लेकर ममता सरकार पर उठ रहे सवाल की। साथ ही आज सभी मुख्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान, 10 साल बाद होगा मतदान। केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर की जनता 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनने को 18 सितम्बर, 25 सितम्बर और 1 अक्टूबर को मतदान करेगी। कोलकाता कांड के खिलाफ सीएम ममता का प्रदर्शन, शुरू की पदयात्रा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले लगातार चर्चा में बने हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपनी पदयात्रा शुरू कर दी है। सीएम आरजीकर आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर 3 किलोमीटर पदयात्रा कर रही है। मोहम्मद यूनिस ने पीएम मोदी से की फोन पर बात, हिंदुओं की सुरक्षा का दिया भरोसा। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। बांग्लादेश ने भारत को हिंदुओं की रक्षा का भरोसा दिलाया है। राहुल गांधी ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई, बोले अन्याय के खिलाफ युद्ध में इंडिया आपके साथ। एकजुटता दिखाते हुए राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के कई प्रमुख सदस्यों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, जो वर्तमान में जेल में हैं। बाजार में निवेशकों को फायदा, सेंसेक्स 1330 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,500 के पार। बैंकिंग और आईटी शेयरों में मजबूती के कारण घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 1330 अंकों की बढ़त के साथ 80,436 पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 357 अंक उछलकर 24,541 के स्तर पर बंद हुआ। ये तो थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज की वायरल वीडियो से रूबरू करवा देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक ज्वेलरी शोरूम में पिस्टल लहराते हुए दिख रहा है और खुलेआम दूसरे युवक के साथ दबंगई कर रहा है। पहले आप भी देखिए ये वायरल वीडियो। बताया जा रहा है पिस्टल लहराने वाला युवक ज्वेलरी शोरूम का मालिक है। वहीं वायरल वीडियो राजा ज्वेलर्स मिठाई वाला चौराहे का बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल वीडियो के वायरल होने के बाद गोमती नगर पुलिस जांच में जुटी हुई है और आरोपी को पकड़ने की बात कह रही है। फिलहाल खबरें अब तक में अब बात करते हैं अपनी पहली रिपोर्ट पर। बांग्लादेश में भले ही मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बन गई हो, लेकिन अभी भी वहां हालात सामान्य नहीं है। एक बार फिर बड़े विद्रोह की आशंका बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस बार शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के समर्थक ये विद्रोह कर सकते हैं, जो इसी महीने हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनकी हत्या की जा रही है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर भारत में कई राजनीतिक दल इस पर अपनी चिंता जता चुके हैं। वहीं इसी बीच चर्चाओं में रहने वाले बीजेपी नेता और कैसरगंज सीट से सांसद रह चुके ब्रजभूषण सरंग सिंह ने चिंता जताई और उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। अब आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश का राहुल गांधी से आखिर क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए आप देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। वहां के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनसे भारत देश की चिंता काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदू भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बॉर्डरों पर सेना की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं बांग्लादेश के हालातों को लेकर भारतीय राजनीति में खासा चर्चा है।
हर दल इस घटना की निंदा कर रहा है, लेकिन विपक्षी दल अभी भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने बांग्लादेश को लेकर चिंता जता दी है और उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। बांग्लादेश में बड़ी दुखद स्थिति है, भारत के अगल बगल ये सब हो रहा है। बांग्लादेश में जो हुआ जो हो रहा है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए शब्द कम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो कि दुखद है। देश के बड़े नेता इस पर नहीं बोल रहे, यहाँ तक लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक भी ट्वीट नहीं किया। ये देश की जिम्मेदारी जितनी मोदी बीजेपी की है उतनी ही विपक्ष की भी है। देश सुरक्षित रहेगा तो राहुल गांधी भी सुरक्षित रहेंगे। जाहिर है सदन में और हर जगह संविधान का मुद्दा उठाने वाले और संविधान को खतरे में बताने वाले राहुल गांधी आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर पूरी तरीके से मौन है। वो ही क्यों, बल्कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोल रहा है। तो क्या हम ये समझें कि विपक्ष हिंदू विरोधी हो क्या है? अगर नहीं तो क्यों वो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप है? ये सवाल है जिसके जवाब विपक्ष को देने जरूरी हो गए हैं। खैर, हम इसी के साथ रुख करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट का। उत्तर प्रदेश में अगले महीने के दौरान राज्य की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इससे पहले राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। दूसरी ओर योगी सरकार पर कथित तौर पर उपचुनाव होने वाले जिलों में यादव और मुस्लिम अधिकारियों को हटाने का आरोप एक मीडिया रिपोर्ट में लगाया गया है। अब आप इस रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया देख लीजिए। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे अखिलेश यादव ने सीएम योगी को सुनाई खरी खरी और कैसे सीएम योगी के लिए ये चुनाव है साख बचाने का चुनाव। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार पर यादव और मुस्लिमों के प्रति पूर्वाग्रह का आरोप और भी गंभीर हो गया है। खबर है कि मुरादाबाद को छोड़कर बाकी उपचुनाव वाले इलाकों से यादव और मुस्लिम अफसरों को योगी सरकार हटा रही है, ऐसा दावा एक वेबसाइट पर किया गया है। योगी सरकार का मानना है कि लोकसभा चुनाव में यादव और मुस्लिम अफसरों ने मिलकर भाजपा को हरा दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को इस खबर और इससे संबंधित वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए भाजपा और योगी पर जबरदस्त हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एक्स पर बुधवार को लिखा, जब उपचुनाव में भी भाजपा को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी है तो भाजपा कुछ अधिकारियों को हटाने का कितना भी शासकीय प्रशासकीय नाटक कर ले, कोई उनको पराजय से रोक नहीं सकता। देखना ये भी है कि इनकी जगह जो अफसर आएंगे उनकी निष्पक्षता पर मुहर कौन लगाएगा। भाजपा उपचुनाव में अपनी 10/10 की हार के अपमान से बचने के बहाने न ढूंढे। अगर भाजपा जन विरोधी नहीं होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, पुलिस भर्ती, नीट परीक्षा, महिला सुरक्षा, संविधान और आरक्षण की रक्षा, नजूल भूमि जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए भाजपा कब और किसे नियुक्त करेगी, कुछ विशेष अधिकारियों को चुनावी जिम्मेदारी से हटाने की बात कहकर भाजपाइयों ने ये बात स्वीकार कर ली है कि उनकी सरकार में शायद कुछ चुनावी घपले अधिकारियों के स्तर पर होते हैं। ये भाजपा की अपनी सरकार के साथ ही साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान ले। यानी कि यूपी में 10 उपचुनाव को लेकर भाजपा के अंदर भी राजनीति गरमाई हुई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में असंतुष्ट गुट ने लोकसभा चुनाव में राज्य में मिली करारी हार के लिए योगी को जिम्मेदार ठहराते हुए हटाने की मुहिम चल रही है। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि भाजपा अलकमान यानी मोदी शाह ने असंतुष्टों को उपचुनाव के नतीजे आने तक रुकने के लिए कहा है। इस बीच योगी ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए खुद को कट्टर हिंदू नेता के रूप में स्थापित करने की मुहिम तेज कर दी है। हाल ही में उनके कई फैसले इस ओर इशारा भी करते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद खाली फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा खैर, मीरापुर, कुंदरकी, करहल, मिल्कीपुर, कटहरी और सीसामऊ सीटों पर उपचुनाव होना है। सपा के 4 विधायकों के सांसद और एक विधायक के दोषी ठहराए जाने के कारण 5 सीटें खाली हुई हैं, जबकि भाजपा के कोटे से 3 विधायक सांसद बन गए हैं। इसके अलावा 1 सीट आरएलडी विधायक के सांसद बनने और 1 सीट निषाद पार्टी के विधायक के बीजेपी से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। इस प्रकार 5 सीटें सपा के कोटे की हैं, जबकि 5 सीटें भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की हैं।
ऐसे में समझा जा सकता है कि उपचुनाव को कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि इस दावे में कि यादव और मुस्लिम अफसरों को योगी सरकार हटा रही है, इसमें कितना दम है ये देखने वाली बात होगी। देखा जाए तो यूपी की राजनीति में इस घटनाक्रम से ये साफ हो गया है कि कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ अब अपनी कुर्सी के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उपचुनाव होने तक योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सलामत है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उपचुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव भी आए दिन उनके लिए मुसीबतें खड़े करने का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव से पहले कितने लोग सीएम योगी को गिराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से दिए अपने भाषण में कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर संकेतों में बड़ी बात कह दी। पीएम ने कहा कि महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती हैं और आज मैं लाल किले से एक पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा। हमारी माताओं, बहनों और बेटियों के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश में आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इसे देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। देखा जाए तो मोदी ने भले ही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, मगर उन्होंने इशारों इशारों में बड़ी बात जरूर कह दी है, वो भी उन ममता बनर्जी के लिए जिन्हें उनके समर्थक सियासी योद्धा मानते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर आरजीकर हॉस्पिटल में हुए कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर हैशटैग बंगाल हॉरर या फिर हैशटैग आजादी झूठी है, हैशटैग कोलकाता डेथ से साथ ही साथ हैशटैग कई और तरीके के भी ट्रेंड हो रहे हैं। डॉक्टर के इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली आम जनता ममता बनर्जी सरकार से इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं कोलकाता पुलिस के रुख को लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि दीदी अब आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, कहां गया वो आक्रोश। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या ये वही दीदी हैं जिन्होंने अकेले दम पर पश्चिम बंगाल पर 34 साल से काबिज आम मोर्चे की सरकार को यानी कि वाम मोर्चे की सरकार का सफाया कर दिया था। बंगाल के लोगों को इस संवेदनशील घटना पर ममता सरकार का रवैया काफी हैरान कर रहा है। पश्चिम बंगाल की पुलिस का आरोप है कि उसने इतने विभत्स कांड में भी टाल मटोल करने वाला रवैया अपनाया, जिसकी वजह से सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। उस वक्त कोलकाता पुलिस ने इस मामले में सुसाइड की आशंका जताई थी। सीबीआई जांच की पहली ही रात को अचानक हजारों की भीड़ ने हमला कर दिया। इस पर यह सवाल उठा कि रात को अचानक इतनी भीड़ आखिर कहां से आ गए, क्या ये साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश थी। अभी मामला गरमाया तो ममता ने कहा कि ये हमला राम और वाम ने बाहरी लोगों से कराया है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि आखिर रणनीति क्या है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी मुद्दे पर बंगाल सरकार की इतनी फजीहत हो रही है। पहले भी संदेश खाली का मामला हो या फिर आसनसोल हिंसा, ममता बनर्जी बैकफुट पर रह चुकी हैं, लेकिन इन फर्जियतों के बावजूद ममता बनर्जी की सियासी कद पर कोई फर्क नहीं आया। उनकी पार्टी इन इलाकों में लगातार जीत दर्ज करती रही। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार ममता कोलकाता रेप केस के आरोपों से राजनीतिक नुकसान रोक पाएंगी। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन रही चर्चा का विषय। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। इसी को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपनी पद यात्रा शुरू कर दी है। सीएम आरजीकर के आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर 3 किलोमीटर की पदयात्रा कर रही हैं। वहीं बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, बांग्लादेश में भारत को हिंदुओं की रक्षा का भरोसा दिलाया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। वहीं इसरो ने 16 अगस्त की सुबह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV-D3 रॉकेट की सफल लॉन्चिंग की। वहीं FSDA और FSDF की संयुक्त टीम ने लखनऊ में संयुक्त कार्यवाही में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की करोड़ों रुपए की एक खेप बरामद की है। ये तो थी खबरें अब तक की, हमारी खास खबरें, लेकिन जाते जाते आपसे एक बात जरूर करेंगे।
कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देश के हर कोने में इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और दोषियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। लेकिन खास बात यह है कि ये किसी महिला के साथ घटित कोई पहला मामला नहीं है। आज हर दूसरे दिन एक महिला, एक बच्ची, बुजुर्ग महिला के साथ रेप और हत्या जैसी वारदातें हो रही हैं। लेकिन अफसोस कि उसके बाद भी सरकार आज भी मौन है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध दिनों दिन बढ़ रहे हैं। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 की तुलना में 4% ज्यादा थे। यानी हर एक घंटे में 51 से ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में रेप के कुल तकरीबन 31,516 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा मामले यानी कि 5,500 से भी ज्यादा मामले राजस्थान के थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए थे। भारत में वर्कप्लेस पर महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2018 से लेकर 2022 के बीच ऐसे अपराध 402 से बढ़कर 422 हो गए। यह हालात तब है जब वर्कप्लेस पर महिलाओं से यौन अपराध अधिनियम 2013 कब का पारित हो चुका है। ऐसे में इन संवेदनशील घटना पर सरकार का रवैया हैरान कर रहा है। इसीलिए सरकार को जल्द से जल्द रेप जैसी घटनाओं को लेकर सख्त कानून बनाने की जरूरत है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और जाते जाते आपके लिए छोड़कर जाते हैं आज का सुविचार। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल बनाता है।